भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत सारे शायरों ने दोस्तों के ऊपर भी कुछ कलामात पेश किए हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं भाई साहब, अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब अभी फिलहाल स्टेज से हमारे बहुत सारे शायरात और हमारे कुछ शायर भाइयों ने कहा कि अच्छा माहौल है, एक शाम दोस्तों के नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना यह था कि क्राउड कम है। तो ऐसा नदीम फारूक साहब, आपने जो अंदाज में कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन मैं उस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जब 50,000 का क्राउड होता है नदीम भाई, तो वहां पे हम लोग भाई साहब खुद ऑर्गेनाइजर होते हैं और उसकी सदा आप करते हैं उस प्रोग्राम्स की। ऐसा जब हम आज यहां बैठ करके मुशायरा सुन रहे थे तो हमें वाकई में दिल को अच्छा लग रहा था। मुमताज मैडम ने कहा कि मैं आ जा रहा हूं, तो उसका मकसद ये रहता है कि गेस्ट आते हैं उनको हमें छोड़ने भी जाना पड़ता है, नहीं तो हम कुर्सियां एक सेकंड भी जाना था ना छोड़े। ऐसा हम मुशायरा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा मकसद ये होता है भाई साहब, हम लोगों का मकसद ये होता है, इसमें एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे की मोहब्बतें और बढ़ती है। कोशिश यही होती है कि इस दोस्ती को और अच्छे मुकाम तक लेके जाएं। इस कोशिश के साथ आज का ये प्रोग्राम एक शाम दोस्तों के नाम ऑर्गेनाइज किया गया है। भाई साहब मुझे लोग पूछते हैं कि शमीम भाई इतनी चार्जिंग कहाँ से पाते हैं आप? मैं मुंबई भी रहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा मोटा बिजनेस भी करता हूँ और कुछ पॉलिटिक्स भी करता हूँ, यानी खिदमत खल्क करता हूँ। तो मैं जब अपने हर काम से फारिग भाई साहब हो जाता हूँ तो मैं फ़ोन लगाता हूँ कि शुएब भाई कहाँ हैं, इम्तियाज़ भाई कहाँ हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं, जबर भाई कहाँ हैं, मौलाना साहब कहाँ हैं। तो भाई साहब बैठ करके मैं चार्जिंग ले लेता हूँ मेरी। भाई साहब मेरी ज़िंदगी यही है और मैं यही कहता हूँ कि यही हो एक शाम और दोस्तों के नाम, इसीलिए आज का ये प्रोग्राम एक शाम दोस्तों के नाम रखा गया था। मैं अपने तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये कहना चाहता हूं आज भाई साहब कि आप हैं तो मैं हूं। आपकी ताकत और आपकी मोहब्बत ही शमीम खान का जज्बा है और शमीम खान की ताकत है और शमीम खान का प्यार है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी मेरे दो शायर भाई लोग यहां मौजूद हैं, मैं इतना दरख्वास्त करता हूं आप तमाम लोगों से कि आप लोग उनके कलामात को सुने और उन्हें हौसला अफजाई दें। और मैं फिर यही कहना चाहता हूं, कुछ गलतियां अगर हुई हो कुछ कहने और सुनने में तो उसके लिए माजरत गो हूँ मैं। आज का प्रोग्राम जो मुनक़द हुआ उसे कामयाब आप लोगों ने किया, खास करके भाई साहब बांसी के हमारे इस तहसील के लोगों ने किया, आजार साहब, हाजी इसहाक साहब, तो आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।